हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाईली न्यूट्रिशियस और बहुत ही टेस्टी ओट्स इडली की रेसिपी। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो और वेट लॉस करना चाहते हो तो इस ओट्स इडली को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इन्हें बनाना बहुत आसान है और कम समय में आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ब्रेकफास्ट के अलावा लंच और डिनर में भी आप इन्हें बना सकते हो, साथ ही बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इन फुली सॉफ्ट टेस्टी और हेल्दी ओट्स इडली को बनाना। इस ओट्स इडली को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप ओट्स लिए हैं, जिन्हें छोटे ग्राइंडर जार में डालकर फाइन ग्राइंड कर लिया है। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैं डाल दूंगी एक टेबल स्पून ऑयल। तो ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद हाफ टी स्पून मैंने इसमें मस्टर्ड सीड या सरसों के दाने और हाफ टी स्पून जीरा डाला है। साथ ही इसमें ऐड किया है एक टी स्पून चना दाल और एक टी स्पून उड़द दाल। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर अच्छे से क्रैकल होने देंगे। तो कुछ देर तक इन्हें सॉटे करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये एक पिंच हींग। तो हींग डाइजेशन के लिए काफी अच्छी रहती है, आप इसे जरूर डालें। इसमें मैंने एक छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है, साथ ही इसमें तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी तीखेपन के लिए ऐड की है। इसमें अब मैंने डाल दिए हैं करी लीव्स। तो कुछ देर तक यहाँ पर इन्हें सॉटे करेंगे। तो अब मैंने इसमें तीन से चार काजू को कट करके डाल दिया है। इन्हें डालना वैसे तो यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन इनका क्रंचीपन इडली में काफी अच्छा लगता है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये आधा कप रवा या सूजी। इसे यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यूअसली चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये ओट्स का पाउडर, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। तो इसे यहाँ पर सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ओट्स के पाउडर को भी कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसका कच्चापन खत्म होने तक मैंने यहाँ पर रोस्ट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर लूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। तो इसे मैंने यहाँ पर इस बोल में निकाल लिया है। तो ओट्स इडली का ये प्रीमिक्स हमारा बनकर तैयार है। आप चाहो तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी ये आधा कप हल्का खट्टा दही। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें ऐड करूँगी आधा कप पानी। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टी स्पून नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें। तो अच्छे से इन सभी चीजों को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें इतना ही पानी डाला है, अगर बाद में जरूरत होगी तो और ऐड कर लेंगे। तो इस बैटर को मैं अब 10 मिनट तक रेस्ट करने दूंगी। तो जब तक बैटर रेस्ट कर रहा था तब तक मैंने 2 इडली स्टैंड को ऑयल से ग्रीस करके रख लिया है। तो अब मैं बैटर को चेक कर लूंगी। तो रेस्ट करने के कारण ये काफी गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसमें धीरे धीरे और पानी ऐड करूंगी। तो इस इडली का बैटर ना तो ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। तो 1/4 कप और पानी डालने के बाद इस बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल डालूंगी। तो इसमें मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ग्रेट की हुई गाजर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। तो आप इसमें अपनी मनपसंद की और भी वेजिटेबल डाल सकते हो, या फिर बिना वेजिटेबल के भी इस इडली को बना सकते हो। तो अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये ओट्स इडली बनकर तैयार होती है। तो लास्ट में इस बैटर में मैं डालूंगी ये इनो का एक छोटा पैकेट। तो आप इसकी जगह चाहो तो बेकिंग सोडे का भी यूज़ कर सकते हो। तो सारा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना है। तो जैसे जैसे इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, इस तरीके से ये काफ़ी फर्मेंट हो गया है। तो इसे अब मैं तुरंत डाल दूंगी इडली स्टैंड में। तो सभी सांचों में हमें इसे अच्छे से फिल कर लेना है। तो बैटर को फिल करने के बाद इस तरीके से एक बार जरूर टैप कर लें।
तो स्टीमर में मैंने पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है, तो आराम से इस तरीके से इडली स्टैंड को मैं इसके ऊपर रख लूँगी। दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है, तो उसे भी यहाँ पर रख लूँगी। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे, कवर करके इसे 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। 12 मिनट कुक करने के बाद इडली को चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ये इडली यहाँ पर फूली है। तो चाकू को इसके अंदर डिप करके देखेंगे, तो चाकू दोनों तरफ से क्लीन निकला है। तो गैस का फ्लेम मैं बंद कर लूँगी। तो इडली स्टैंड को मैंने स्टीमर से बाहर निकाल लिया है, तो स्पून की हेल्प से मैं इडली को निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत कम समय में फुली फुली टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये ओट्स रवा इडली यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। तो इडली को मैं यहाँ पर सर्व करूँगी एक सर्विंग प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने इन्हें सर्व किया है नारियल की चटनी और हरी चटनी के साथ। आप इसे सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो एक इडली को मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो अंदर से काफी सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये इडली यहाँ पर बनी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से इस ओट्स रवा इडली की रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।